आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ और कोई भी मेरे लाख दिन में रात में कोई भी किसी समस्या हो मैं सबके साथ खड़ा हूँ। और देखो हमारे यहाँ नफरत का माहौल बन रहा है। हमारे राहुल गांधी नेता हमारे इसे प्यार की दुकान चलाने रहे जा रहे हैं। साथ आधी रात में खड़ा हुआ हूँ, किसी की कोई भी समस्या हो कोई भी काम हो मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ। और जितने भी मेरे वार्ड के लोग हैं उनका मैं फिर एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे 14,700 वोट दे के यहाँ तक पहुँचाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हो। करता हूँ हमारी मुस्तफाबाद विधानसभा के, मैं पूर्व नहीं कहूंगा विधायक कहूंगा, हसन अहमद साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से आज ये मीटिंग मुस्तफाबाद में हो रही है। हम मुस्तफाबाद वालों को फख्र है कि इस मीटिंग को मुस्तफाबाद में करने का हमें मौका मिला। साथ ही साथ मंच पर जितने भी हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेता मौजूद है उन सबका इस्तकबाल है मुस्तफाबाद में। और सबसे पहले आप सब जो हमारे साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है आप सबका इस्तकबाल है। मैं बहुत ज्यादा बोलने का आदि नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं मुस्तफाबाद विधानसभा पिछले 9 साल से वीरान पड़ी हुई है, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। थोड़ी सी देर के लिए आपको अपील करता हूं कि मैं विशेष रूप से यहां आपको संबोधित करने आया हूं और ऐतिहासिक बात करूंगा और एक तरफ कांग्रेस का इतिहास देखो, कांग्रेस की कुर्बानी देखो। जगन भाई हेलो, किशन भाई जी तेरे छोटा रखना, इधर जवाब भी देना चाहता हूं, बता दिया मैं आपको। तो मैं कांग्रेस के इतिहास की बात करूं, जलियांवाला बाग की बात करूं, भगत सिंह जी की बात करूं, मंगल पांडे की बात करूं, अब्दुल कलाम आजाद साहब की बात करूं, इंदिरा गांधी की छाती में 32 गोली मारती इसकी बात करूं, राजीव गांधी के 50 टुकड़े करके डाल दिए, इंदिरा जी ने कहा जान तो चली जाएगी देश को नहीं टूटने दूंगी, राजीव गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा सारा लहू जमी को पिला दिया और कर्ज था भारत माता का जो राजीव गांधी ने छुपा दिया। जलियांवाला बाग का एक बेटी ने सुभाष चंद्र बोस जर्मन चाह रहे थे, कहा जर्मन चाह रहा हूं, बहन बोली क्या लाओगे, कि ऐसी साड़ी लाना दुख दूर मन बड़का हो, जलियांवाले बाग का फोटो दायर की बदमाशी का हो, अरे ज्यादा दिखाई सकता मुझे भगत सिंह की फांसी का हो, ऐसी साड़ी लाना जिससे तू दूर मन बड़का हो, जलियांवाले बाग का फोटो दायर की बदमाशी का, देश की आजादी। बताओ कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी का आज तक देश की आजादी के पीछे, देश की एकता के पीछे, देश के किसानों के पीछे, देश के मजदूरों के पीछे, युवाओं के पीछे, दलितों के पीछे, मारिटी के पीछे, महिलाओं के पीछे, सरकारी कर्मचारी के पीछे,
आज तक कुत्ता मरा हो, एक कुत्ता मरा हो, एक पशु मरा हो, एक गंदा खाया बीजेपी के लोगों ने, किसी ने तो नाम बताओ बीजेपी के लोगों, आप लोग जो कांग्रेस में कुछ नहीं है। अडवाणी जी कहाँ है, मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, उमा भारती कहाँ है, गोविंद आचार्य कहाँ है, परवीन तगड़िया कहाँ है, मेनका गांधी कहाँ है, गड़गड़ी कहाँ है। अरे झूठो, छात्र बोले छली क्या बोले, जिसमें 76 और दूसरा क्या कहता है कि हम ये झाड़ू, ये बेईमान, ये बंदर। मैंने इसको जीती नोट ली थी, मैं भी इसके साथ में लिखा, मैंने इसको बंदर क्या, बंदर चढ़ाता नीचे सारा 6 घंटा कि जय किसी ने इसको बंदर कहा। ये कहता है सर, आज अगर हम इतने समय पहले आप लोगों के बीच में आए हैं तो आप लोगों को ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि दुर्भाग्य से देश में और दिल्ली के अंदर ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई है जो केवल और केवल लोगों को गुमराह करके, लोगों को बहला फुसला के वोट लेने का हिसाब करती है। तो हमने कहा अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है तो जनता का भी जवाब और हिसाब मांगने का समय जो है आ गया। हम जनता को याद कराएं कि आपने जिन लोगों को चुन के भेजा था, चाहे वो संसद में भेजा हो, चाहे वो विधानसभा में भेजा हो, विधानसभा वाले के बारे में तो मतीन भाई ने डिटेल में बता ही दिया, उनसे हिसाब और जवाब मांगने का समय आ गया। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग ट्रेंड शुरू किया हो कि 5 साल के बाद आते हैं और खुद अपने चुने हुए प्रतिनिधि की टिकट चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि इसने 5 साल काम नहीं किया था, इसलिए हमने जो है इसकी टिकट बदल दी, फिर नए सिरे से जो है वोट मांगने आ जाते हैं। तो हम ये कहने के लिए आए हैं कि अगर आप समझते हो कि आपकी केंद्र की सरकार ने काम किया है, अगर आप समझते हो कि जिसका आप एडवर्टाइजमेंट लाखों करोड़ों रुपए जनता के पसीने की कमाई का लगा के कहते हो कि हमने बहुत इस देश की दशा और दिशा बदल दी, तो इस बार दिल्ली में अपने लोकसभा के उम्मीदवारों की टिकट मत काटना। अगर आप समझते हो कि आपने काम किया है तो 700 संसद सदस्य को टिकट देना, हमको ये पहल भी करने दिया है दिल्ली के लोग उनका हिसाब दे देंगे। अभी पिछले दिनों आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कोई मुझसे पूछ रहा था, वो कहने लगा छठ पूजा आने वाली है, ये किश्ती पे खड़े हैं और किश्ती पे खड़े करके कह रहे कि यमुना साफ नहीं हुई। मैंने कहा ये अब अगली छठ पूजा पे नजर आएंगे, इनका नाम किश्ती तिवारी रख देना चाहिए क्योंकि छठ पूजा पे किश्ती। उसके बाद जब सर्दी आती है दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख देती है कि दिल्ली में पॉल्यूशन हो गया, केंद्र की सरकार दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिख देती है कि दिल्ली में पॉल्यूशन हो गए, और दोनों के हाथ से चीजें बाहर निकल जाएं तो दोनों मिलके पंजाब की सरकार को चिट्ठी लिख देते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन हो गया, और चिट्ठी लिखने के बाद समझते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। उसके बाद सर्दी निकल जाती है, ना दिल्ली के लोगों की चिंता, ना दिल्ली के लोग किस कंडीशन में रह गए हैं आप जानते हैं। अरे भाई एक मिनट रुको, आप जानते हैं कि WHO की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 11,000 बच्चे दिल्ली में 5 साल से कम उम्र के अपनी इसलिए जान खो देते हैं कि उनको सांस की बीमारी इस पॉल्यूशन की वजह से हो जाती है। दिल्ली के 11,000 बच्चे मर रहे हैं हर साल में, और ये लोग चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं, इनको कोई माफ करने वाला नहीं है। कायदे की बात यह, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों सरकारों के खिलाफ होनी चाहिए। ये काम डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी यहाँ पे बैठे हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन थे, वो बोर्ड हमने इसलिए बनाया था कि यमुना पार के अंदर विशेष रूप से डेवलपमेंट हो जाए। आप अंदाजा करिए मुस्तफाबाद के लोग, अगर सिग्नेचर ब्रिज और उसके फ्लाई ओवर हमने नहीं बुलाए होते तो आज जो है वो छोटे से वजीराबाद पुल पे आना जाना जो है कितना मुश्किल होगा। जयप्रकाश अग्रवाल जी ठीक कह रहे हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी और हसन अहमद साहब, और हसन अहमद साहब तो तब विधायक भी नहीं थे मुस्तफाबाद के, करावल नगर से इलेक्शन लड़े थे और करावल नगर से इलेक्शन उस समय हार गए थे। हारने के बाद भी मुझे हसन अहमद साहब
गड्ढे वाले स्कूल में लेके आए थे और मुझे शर्म आ गई थी शिक्षा मंत्री होने के नाते कि वहां टीन शेड के वाले बच्चे पढ़ते थे। मैंने जो आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे यहाँ पे, अभी भी विधायक है वो करामनगर से, वो मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे कहा तुमको शर्म नहीं आती, तुम जो है स्कूलों के मामले में भी भेदभाव करते हो, बच्चे टीन शेड में पढ़ रहे, कीचड़ में पढ़ रहे, ये तो भला हुआ हसन अहमद साहब का। और उसी समय उन्होंने कहा जी नहीं जी इस पे कोर्ट केस है। मैंने कहा जनता से बड़ी अदालत किसी की नहीं होती। और उसी दिन हमने फैसला किया था कि जहां भी कोर्ट, और मुस्तफाबाद के लिए यह फैसला हुआ था कि दिल्ली में जो भी ऐसी जगह है जहां पे कोर्ट केस है वहां पे टीन शेड की जगह कोटा कैबिन मिलेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो टीन शेड में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये करके हम कोई अखबारों में इश्तिहार नहीं लगाते थे इस सरकार की तरह, जो हम शिक्षा के अंदर राजनीति नहीं करा करते थे। आज दिल्ली में सरकारी स्कूलों की संख्या घटी है, ये अखबार वाले, ये सरकार रोज अखबारों में ऐड दिलाती है कि हमने स्कूलों में कमाल कर दिया। और उत्तर पूर्वी जिले से ज्यादा कोई इस बात को नहीं जानता कि कितने स्कूल मुस्तफाबाद में इस सरकार ने बना दिए। हमारे भाई जुबेर और मतीन अहमद साहब पढ़े हैं, कितने स्कूल जो है सिलमपुर में इस सरकार ने बना दिए। वीर सिंह दिघान यहाँ पे बैठे हैं, कितने स्कूल जो है सीमापुरी के अंदर इस सरकार ने बना दिए। आज भी उत्तर पूर्वी दिल्ली का कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहां पे एक क्लासरूम में 100 से 150 से कम बच्चे हो, ये इस सरकार का करना है। और अखबारों में कह रहे हैं कि हमने जो है शिक्षा के अंदर कमाल कर दिया। बेरोजगारी दिल्ली के अंदर बढ़ गई है, मैं उन सब डिटेल में नहीं जाना चाहता जो सब लोगों ने कही, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों कि दिल्ली के लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया। एक केंद्र में बैठी सरकार है जिसको उद्योगपतियों के अलावा किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है, दूसरी दिल्ली की सरकार है जिसको अपने केसों से फुर्सत नहीं है। अगर ऐसे में कोई कमजोर आदमी के साथ, अकलियत के लोगों के साथ, मध्य वर्ग के लोगों के साथ, किसानों के साथ, बढ़ईयों के साथ, कुलियों के साथ कोई एक व्यक्ति इस देश में खड़ा था उसका नाम राहुल गांधी। जब सरकारें अपने केसों में और उद्योगपतियों में मिली है, इस पूरे देश में अगर लोगों पे कोई हालचाल जान रहा है, लोगों की गता हथियार जानने की कोशिश कर रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और हमने जो ये प्रतिज्ञा रैली शुरू की है, हम केंद्र में बैठी इस सरकार से कहना चाहते हैं कि जब आप काम करने की बजाय लोगों को ये किस तरफ लेके जाना चाहते हो, किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हो, हिंदुस्तान की जो तहजीब है उसको तोड़ने की कोशिश अंग्रेजों ने की थी, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आए थे, आप उन्हीं अंग्रेजों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने उन अंग्रेजों को भगाया था और आपका भी इंतजाम आने वाले लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। हिंदुस्तान की कोई तहजीब भाईचारे के अलावा बात नहीं करती। हमारे अकलियत के लोग यहां बड़ी संख्या में रहते हैं। हजरत साहब ने, नबी ने ये कहा था कि आपका पड़ोसी भी अगर भूखा हो तो आप खाना मत खाना, उस पड़ोसी को कहते हैं। ये हमारे देश की तहजीब है। भगवान राम जिसके ये ठेकेदार बनते, उस भगवान राम ने अपने नाम चालीसा में कहा था कि मुझे निर्मल मन के लोग ही भाते हैं, ये छल कपट करने वाले भगवान राम को भी भाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो दूसरों के धर्मों की जिंदगी जो है इज्जत करना चाहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, अल्लाह पाकम पाक है, शक हो जो दूसरा हो। ये हमारे इतिहास है कि हमारा धर्म दूसरे धर्म की इज्जत करता है, दूसरे धर्म की जो है वकालत करता है। ये हिंदुस्तान की तहजीब है। और ये लोग हिंदुस्तान की तहजीब को तोड़ना चाहते हैं तो ये उसमें कामयाब होने वाले नहीं है। अब वो दिन दूर हुए कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपनी कमर कस ली है और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे ना इस देश के संविधान के साथ, ना इस देश के विचारधारा के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं देगा। और इस देश के गरीबों की कोई आवाज बनेगा तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बनेंगे। ये निवेदन करने के लिए आप लोगों मैं आपसे ये कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ कि सोनिया विहार का प्लांट यहाँ पे बिल्कुल नजदीक है। उस सोनिया विहार के प्लांट को हमने इसलिए बनाया था कि जमुना पार्क के लोगों को पानी,
मुझे मालूम है कि मुस्तफाबाद के अंदर थोड़े कॉलोनियों में आज भी सीवर हर जगह नहीं पड़ा, पीने के पानी की जो है दिक्कत। अरे आप रुकिए, क्या कर रहे हो? पीने के पानी की दिक्कत जो है वो हर जगह है। ये सरकार बड़ी बड़ी अखबारों में जो है इश्तिहार लगा देती है कि 24 घंटे पानी आ रहा है, साफ पानी आ रहा है। तो मैं केजरीवाल साहब से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आज अगर आप छोटी पान की दुकान पे चले जाओ, छोटी किराने की दुकान पे चले जाओ, तो वो भी बोतल वाला पानी बेच रहा है। अगर आप साफ पानी दे रहे हो तो ये बोतलें खरीद कौन रहा है? ये भी जो है इससे एक सांसद। आज रिक्शा वाला भी बेचारा जो है पानी का ग्लास लेकर पी रहा है, और आप कह रहे हो कि पानी दे दीजिए। तो इसलिए आपसे हम कहते आ रहे हैं कि इनसे जवाब और हिसाब आपको लेने की जरूरत है, इनसे ये पूछने की प्रश्न जरूरत है कि आप जो है किस तरीके का गवर्नेंस जो है दिल्ली के अंदर और देश के अंदर दे रहे हो। और आपसे मैं ये निवेदन करने के लिए आया, ये आने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले जब ये चुने हुए प्रतिनिधि आपके पास आए तो इनसे जवाब और हिसाब जरूर मांगिए। और मैं खास करके अपने पिछड़े वर्ग के लोगों से, अपने अकलियत के भाइयों से, अपने मध्यम वर्ग के लोगों से कह रहा हूं कि इनसे घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। और राह तंदूरी का एक शेर कह के अपनी बात, क्योंकि अली ने शेर सुना दिया है तो एक तो मैं भी सुना दूं। तो राह तंदूरी का ये शेर सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम जानते हैं कि दुश्मन कम नहीं, पर हमारी तरह जान हथेली पे छोड़े जो आज बैठे हैं बनके साहिबे मस्तन, कल नहीं होंगे। किराएदार है कोई जाति मकान छोड़े, और इस देश की मिट्टी में मिला है सबका खून, किसी के बाप का हिंदुस्तान।